नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। भाषा के लिए आंदोलित होने वाले दक्षिण के ही एक राज्य कर्नाटक में अब अलग झंडे की मांग जोर पकड़ रही है। वेबवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या किसी राज्य का अलग झंडा होना चाहिए? ये भेदी गैर जरूरी मांग है और मुझे लगता है कि ये नए सिरे से क्षेत्रवाद को हवा देने की कोशिश है। ये उसी राज्य से आवाज उठी है जहां पर अभी भाषा का प्रश्न खड़ा किया गया था और हिंदी में लिखी गई सूचनाओं को काली पोत कर मिटा दिया गया था। और ये दक्षिण के राज्यों में भाषा की और दूसरी लड़ाइयां कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको सारे नेता केवल अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की ध्वज जो है उसकी पहचान केवल तिरंगे के रूप में, और वो हमारे राष्ट्र का ध्वज है। जम्मू कश्मीर में हमने जो 370 के अंतर्गत अलग अलग प्रावधान किए हैं, जिसमें अलग विधान है, अलग प्रधान है उनका, और अलग जो झंडा है और निशान है, हम उसी से परेशान हैं। और केवल वही एक ऐसी सिरदर्द हमारे लिए बन गया है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक ये मांग करना कि हमारा, देखिए, हमारे देश में पहले से ही इतनी विविधताएं, इतनी बहुलताएं मौजूद हैं, और वो सारी नैसर्गिक विविधताएं हैं। अगर हमारी भाषा अलग है, फल फूल पत्तियां अलग हैं, कई जगहों पर संस्कृति अपनी अलग है, परिधान अलग है, तो ये ऐसी नैसर्गिक विविधताएं हैं, बहुलताएं हैं, जिनसे हमारा देश खूबसूरत बनता है। लेकिन उसमें आप ये फैब्रिकेटेड मैन्युफैक्चर्ड विविधता लाने की जब कोशिश करते हैं तो आपके मन में जो मैल है वो उभर कर सामने आ जाता है। इस तरह की मांगों से हमारे राष्ट्र में तिरंगे का महत्व कम नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तिरंगे की शान की खातिर हमने लाखों लोगों की बलि हिंदुस्तान में दी आजादी पाने के लिए, यूनियन जैक को नीचे उतार कर इस तिरंगे को फहराने की खातिर मात्र लोग सूली पर चढ़ गए, गोलियां खाई, लाठियां खाई, अब हम उस झंडे के महत्व को कम क्यों कर, आखिर क्या हासिल हो जाएगा? आप बताइए कि इससे किसी राष्ट्र की कार्य प्रणाली पर, उसके संघीय ढांचे पर, उसकी संप्रभुता पर, उसकी स्वायत्तता पर, उसके राज्य के नागरिकों की खुशहाली पर क्या फर्क पड़ता है? हालांकि यहां पर यह बता देना महत्वपूर्ण है कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था है, यह प्रावधान है कि एक राज्य चाहे तो अपना अलग झंडा रख सकता है, उस पर संविधान को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें फकत यह लिखा गया है कि उसको तिरंगे के नीचे फहराया जाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस वक्त हमने ये प्रावधान संविधान में बनाया होगा, उस वक्त हमने रियासतों को जोड़कर, अलग अलग राज्यों को जोड़कर देश बनाया था, और वो रियासतों की जो लड़ाई थी, उस वक्त पुराने राजा सम्राट हुआ करते थे, उनके ध्वज चिन्ह हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं से ये आया होगा कि हमारे झंडे का क्या होगा। उसको देखते हुए शायद संविधान निर्माताओं ने एक प्रावधान रखा था कि आप चाहें तो रख लें, ताकि उस वक्त कोई अनावश्यक विवाद पैदा नहीं हो, लेकिन उसको तिरंगे से नीचे फहराया, ताकि तिरंगे की संप्रभुता, तिरंगे की शान, तिरंगे का महत्व अक्षुण्ण बना रहे, ये उसमें भी निहित है संविधान में। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये प्रावधान गैर जरूरी हो गया है समय के साथ। हमें राज्यों की खुशहाली पर ध्यान देना चाहिए, उनकी स्वायत्तता पर, उनकी अपनी व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर तो हमें किसी भी तरीके से आंच नहीं आने देना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग झंडे बनाने का जो एजेंडा है वही अपने आप में गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सवाल नियत का है। आपकी नियत क्या है? इस तरीके से अपना अलग झंडा कायम करके अपने क्षेत्रीय लोगों को भड़काकर आप विकास की जो इबारत लिखी जानी चाहिए उसके विपरीत दिशा में पूरे राज्य को ले जा रहे हो। क्या आपके राज्य का झंडा फहरा देने मात्र से आपका राज्य खूब खुशहाल हो जाएगा? वहां बेंगलोर की सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो सब सुधर जाएंगे? बेंगलोर में लगातार जो आईटी सिटी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, ट्रैफिक जैम होता है, वायु अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, लगातार युवा वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इन सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी केवल झंडा फहरा देने से? और राष्ट्रध्वज फहराइए ना, क्यों हमको राष्ट्रध्वज फहराने में, राष्ट्रगीत गाने में, राष्ट्रगान गाने में सम्मान का अनुभव होना चाहिए? हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों अपनी अलग अलग नई तरह की क्षेत्रीय पहचान बनाना चाहते हैं? जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत है उसी में इतनी बहुलता है, उसमें विविधता है, क्या उससे हमारा काम नहीं चलता? यदि भी कर्नाटक में 2018 में चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये मांग पूरी तरह राजनीतिक है? ये पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा है, ये पूरी तरह से चुनावी एजेंडा है। इसी एजेंडा के तहत भाषा का विवाद खड़ा किया, इसी एजेंडा के तहत एक समिति बनाई गई जिसने अलग झंडे को लेकर विचार विमर्श शुरू किया और प्रस्ताव भेजने की बात कही जा रही है। ये ठीक है कि इस वक्त केंद्र सरकार सख्त है, लेकिन मुझे लगता है इसको सिरे से ही, शुरुआत से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, और इसी वक्त संवैधानिक संशोधन का भी प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, ताकि आगे कोई राज्य इस तरह की हरकत नहीं कर सके। हमें तो कोशिश ये करनी है कि जो जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का प्रावधान हो गया है नियति से, इतिहास से, उसको भी हम बदल दें। किसी भी राज्य को अपना अलग झंडा कायम करने की जरूरत नहीं है। लोग अजीब अजीब तरह के वाहियात तर्क दे रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी राज्यों के अलग अलग झंडे, वहां क्यों झंडे बने? उनकी एक प्रतियोगिता थी जिसमें उनको अलग झंडे प्रस्तुत, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और भारत के जो रियासती वर्चस्व वाला हिंदुस्तान है उसमें कितना बड़ा अंतर है, और रियासतों की और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की लड़ाई ने इस देश का कितना नुकसान अतीत में किया, क्या हम ये भूल जाते हैं?
क्या हम भारत और अमेरिका को केवल झंडों के तराजू पर तौलकर और इस तरह के बेवकूफाना तर्क देना चाहते हैं? क्या हम नहीं जानते कि अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय झंडों के अस्तित्व की रक्षा की खातिर जो लड़ाइयां हुई उसी वजह से मुगलों का और अंग्रेजों का इस देश पर शासन रहा? क्या हम भूल जाते हैं कि रियासतों की और झंडों की छोटी छोटी इन लड़ाइयों के कारण ये देश इतने लंबे समय तक गुलाम रहा? हम फिर नए अपने झंडे खड़े करना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से हमने तिरंगे को ऊंचा आसमान में लहराया और 70 साल की इस नई शैशव काल की आजादी को हम परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप झंडों की और ये नई नई बहसों को बीच में लाकर इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्यों इस तरीके से केवल राजनीतिक स्वार्थ की खातिर आप इस तरह की छोटी बातों को उठाना चाहते हैं? मुझे लगता है राजनेताओं को भी एक सबक लेना चाहिए, एक कोई लाइन खींची हुई होना चाहिए कि हम अपनी राजनीति को इस रेखा के उस पार नहीं ले जाएंगे कि उस पार भारत की एकता है, उस पार भारत की अखंडता है, उस पार भारत की संप्रभुता और उस सब में हमारी सबकी खुशहाली नहीं है, हमें राजनीति करनी भी है तो हम उस लक्ष्मण रेखा के इस पार ही करेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कर्नाटक में क्षेत्रीय स्तर पर एक लाल और पीले रंग का झंडा है जिसको वो सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में और कभी कभी कर्नाटक राज्य दिवस के समय में भी उपयोग में लाते रहे, लेकिन ये इसको सहजता से लिया गया कि वो उससे अपनी क्षेत्रीय धार्मिक भावनाओं को सहज रूप में प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उस सहजता का अब राजनीतिकरण किया जा रहा है और जितनी सहजता से इस झंडे का पूर्व में उपयोग होता रहा है क्षेत्रीय कार्यक्रमों में, अब इसको आधिकारिक तौर पर औपचारिक तौर पर राज्य का झंडा बनाए जाने की प्रक्रिया में वो सहजता दिखाई नहीं देती, नियत में खोट नजर आती, जो मैं कहना चाहता हूं। अव्वल तो जब इस झंडे को कहीं कहीं शासकीय कार्यक्रमों में भी जब फहराया गया है तो किस अनुमति से फहराया गया, उसको औपचारिक रूप से राज्य के झंडे का दर्जा जब नहीं मिला तो क्यों फहराया गया, ये भी सवाल उठाया जाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी ने पूर्व में सवाल नहीं उठाया है तो उसको भी सहजता से लिया गया है। मुझे लगता है उस सहजता का दुरुपयोग करने की कोशिश अब सिद्धरमैया सरकार कर रही है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे कर्नाटक की अलग ध्वज की मांग की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।